नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 8 Pro 5G वर्सेस Vivo Eco 7 Legend का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में 6.35 इंच जबकि Eco 7 Legend में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में 2.92 इंच जबकि Eco 7 Legend में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Reno 8 Pro 5G में 0.29 इंच जबकि Eco 7 Legend में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 8 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 8 Pro 5G में 183 ग्राम जबकि Eco 7 Legend में 209.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 8 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Reno 8 Pro 5G में 20:1:9 जबकि Eco 7 Legend में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि Eco 7 Legend में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 8 Pro 5G में 1080x2412 और Eco 7 Legend में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 8 Pro 5G में 90.61% जबकि Eco 7 Legend में 86.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 8 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Eco 7 Legend में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Reno 8 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Eco 7 Legend की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 8 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Eco 7 Legend की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 8 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Eco 7 Legend में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में Mali G610MC6 जबकि Eco 7 Legend में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max और Eco 7 Legend में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 8 Pro 5G में 12GB की RAM मिलती है, जबकि Eco 7 Legend में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Reno 8 Pro 5G में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Eco 7 Legend में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में Android V12 जबकि Eco 7 Legend में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Reno 8 Pro 5G में 4500 mAh जबकि Eco 7 Legend में 4000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
रीनो 8 प्रो 5G में दो कलर्स जबकि इको 7 लेजेंड में एक कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो रीनो 8 प्रो 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 4599 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें इको 7 लेजेंड की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 39990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो रीनो 8 प्रो 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें वीवो इको 7 लेजेंड की तो उसमें 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में रीनो 8 प्रो 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में इको 7 लेजेंड आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा वीवो IQOO 7 है, तीसरा वीवो X60 Pro Plus है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।